आजकल काम की जो भागदौड़ है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि उस काम को, काम की भागदौड़ में वर्क का प्रेशर, टारगेट का प्रेशर, नौकरी कर रहे हैं तो टारगेट है, तो वो जो प्रेशर है वो कई बार इंसान को डिप्रेशन का शिकार बना देता है। और कई बार डिप्रेशन इतना अधिक बढ़ जाता है कि इंसान कुछ समय के लिए अपनी शुद्ध बुद्ध को खो बैठता है। कुछ लोग तो डिप्रेशन के कारण पागलपन का शिकार हो जाते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है। और ये जो डिप्रेशन घर से भी आता है, कार्य क्षेत्र से भी आता है, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आदमी डिप्रेशन में, हर किसी के जीवन में, आपके हमारे सबके जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आने लगते हैं और तब एक गलत निर्णय हमारे पूरे भविष्य को बिगाड़ देता है। तो आज आपको डिप्रेशन से बचाने के लिए मैं बहुत छोटा सा मंत्र लेके आया हूँ। इस मंत्र का जाप करा कर, या यदि आप डिप्रेशन में हैं, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य डिप्रेशन में है, लिख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है, ओम लक्ष्मीकांतम नमः, ओम लक्ष्मीकांतम नमः। प्रतिदिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तुलसी जी के पौधे की कम से कम 11 परिक्रमा अवश्य करें और घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी के पौधे को जल अर्पण करें। यही प्रक्रिया शाम को भी आप कर सकते हैं, जो सुबह कर रहे हैं वो आपको शाम को भी कर सकते हैं। और तुलसी जी की आराधना ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे बड़े से बड़े डिप्रेशन से आपको मुक्ति मिलेगी। जो मानसिक अवसाद है जो आपका, वो कम होगा। तुलसी जी की माला को गले में धारण करें तो और भी आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। एक सरल सा उपाय निश्चित तौर पे बड़े से बड़े डिप्रेशन को दूर करेगा, दवाइयों पे निर्भरता को खत्म करेगा।